हैं कि सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतम साबका एसम दिवाचरतो च निचम काया गता सती। अर्थात गौतम बुद्ध के श्रावक, गौतम बुद्ध के शिष्य जो दिन रात काया गता सती का अभ्यास करते हैं, काया गता सती करते हैं, स्मृति करते हैं, वो जो शिष्य हैं हमेशा हमेशा सुख की नींद सोते हैं और सुख से ही जागते हैं। इसका मतलब क्या है? वो हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें जो है रोज रोज इस काया गता सती का अभ्यास हमें करना चाहिए। इससे लाभ ही लाभ है, कोई नुकसान नहीं है। कैसे करना चाहिए? भिक्खु भग के अंदर जो पहली गाथा है वो कहते हैं कि चखुना समरो साधु साधु सुएतेन समरो घाड़ेन समरो साधु साधु जिभ्याय समरो। अर्थात कैसे करना है कि इस आँख का संयम बहुत ही भला है, बहुत ही कल्याणकारी है और बहुत भला है, बहुत ही कल्याणकारी है। कान का समर करना अर्थात कानों पर संयम रखना, कानों का कच्चा नहीं होना। आगे बताते हैं ग्राण का सवर बहुत ही भला है, बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही मंगलकारी है और भला है। जीव का समर करना, जीव पर संयम रखना। याद रखिए, ये जो जीव है हमारी है तो बहुत ही मुलायम, लेकिन जब चलती है तो सही में कई बार तलवार की धार से भी ज्यादा काम कर जाती है। और इसी जीव के बल पर अपने पराए हो जाते हैं और पराए अपने हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान बुद्ध बताते हैं कि हमें इसका समर करना, जीव पर संयम रखना बहुत ही भला है, बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही मंगल